नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग आशा करते होंगे अच्छे ही होंगे। आज एक पतंग है, ये किनारे से फट गई है और इसको टेपिंग करके हम आज आपको दिखाएंगे कि किनारे से फट गई है तो कैसे टेपिंग करना है। देखिए, हम टेपिंग कर रहे हैं। ये किनारे एक किनारे टेप लगा दिया है, दूसरी जगह देखिए हम टेप लगाने जा रहे हैं। ये जोड़ होते हैं तो यहाँ पर टेप लगाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि ये जोड़ों से फटे ना पतंग। ये देखिए यहाँ पे टेप लग गया है, बाकी हम ये यहाँ पे किनारे टेप लगाएंगे। ये देखिए पूरी पतंग फट चुकी है, अब इसको टेपिंग करेंगे। देखिए टेपिंग हो रही है। अगर किनारे टेपिंग टेप फटती है पतंग तो एकदम पहले सबसे पहले किनारे टेप लगाया जाएगा, उसके बाद राइट साइड में लगाएंगे। ये देखिए हमारी पतंग टिपक गई है। ये देखिए हमारी पतंग धीरे धीरे तैयार हो रही है। अभी देखिए इसमें हम टेपिंग जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ये कागज़ थोड़ा सिकुड़ गया है, इस वजह से थोड़ा कागज़ समेट रहे हैं ताकि ये और पतंग फटे ना, क्योंकि अगर कागज़ ढीला रहेगा तो पतंग ज़रूर फटेगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये ऐसे ही ब्लॉग आपके लिए लाते रहेंगे और आपको ऐसे ही अच्छी वीडियो दिखाते रहेंगे। और आपको अभी पतंग हमारे पास आने वाला है, वो स्टॉक भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए मैंने इसको चिपका दिया है। ये देखिए बहुत बढ़िया पतंग बन गई है, अब ये उड़ने लायक पतंग हो गई। पहले देखिए फटी हुई थी, अब देखिए एकदम एक बढ़िया बना दिया है इसको मैंने। ऐसे ही आप लोग भी बना सकते हैं जैसे पतंग फट जाती हैं तो। ये थोड़ा ऊपर माथे में टेप चिपका देंगे इसके, ताकि ये ऊपर से भी थोड़ी थोड़ी फटने वाली अगर हो तो वो भी ना फटेगी, थोड़ी मजबूत हो जाएगी पतंग। ये देखिए यहाँ चिपक गई है, अब ये पतंग एक बढ़िया हो गई है। थोड़ा ही यहाँ भी टेप चिपका देंगे इसको इस जगह, क्योंकि इस जगह से आशा ज़्यादा रहती है फटने के लिए पतंग। ये देखिए चिपक गई है। ये देखिए बढ़िया पतंग बन गई है। अब थोड़ा टेप इस पर चिपका देंगे ताकि दूर से पतंग अच्छी लगने लगेगी। दोनों तरफ से चिपकाएंगे। मेरे पास दो तरह के टेप हैं, एक हरा है एक ब्लैक है। अब ये देखिए पतंग कितनी अच्छी सुंदर लगने लगी है। ऐसे ही आप लोग चाहें तो भी लगा सकते हैं और ऐसे रंगीन टेप लाएं ताकि दूर से भी पतंग दिखने लगे। अब देखिए कितनी बढ़िया पतंग बना दी है मैंने। आई होप अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।